हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए एक नया बाइट लेकर आया हूँ नया। हमारे व्यूवर बहुत कमेंट कर रहे हैं कि हमें ये बाइट बना के दिखाइए, ठीक है? इसीलिए मैं आप बाइट लाया हूँ। ये बाइट है बहुत काम का है दोस्तों। ये वीडियो आप स्किप नहीं कीजिए, एक एक चीज़ देखिए ध्यान से और वैसी बनाइए और वैसी फिशिंग कीजिए आप, ठीक है? तो आपको फिश लगेगा, ठीक है? तो मैं ये वीडियो आपको बाइट बना के दिखाता हूँ। उससे पहले हमारे व्यूवर और भी कमेंट किए हैं, उनको रिप्लाई देता हूँ। हमारे परवेज खान जी है उत्तर प्रदेश से, कमेंट किए हैं, नदी में गहरे पानी में चलते हुए पानी में फिशिंग कैसे करें। परवेज खान जी, आप जो वीडियो में कमेंट किए हैं वही वीडियो आप पूरा देखे नहीं। आप पूरा देखते तो नदी के लिए मैं बाइट बताया और एक नंबर टॉप का बाइट है, ठीक है? आप ध्यान से नहीं देखे, उस वीडियो को देखिए और उसी बाइट से फिशिंग कीजिए। अगर उससे भी नहीं होता है तो, और मैं नदी का बाइट डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप जाके देख लेंगे वीडियो, ठीक है? और हमारे शरीर का पटरकर जी है, वो बोले कंडली बनाने के लिए, तो ठीक है मैं वो आपका वीडियो नेक्स्ट टाइम में बना दूंगा, क्योंकि उसके लिए मैं सामान पूरा जमा करना पड़ेगा। सामान जमा करके फिर मैं वो वीडियो बनाऊंगा, उसमें थोड़ा सामान इधर से उधर से मेरे को पूरा करना पड़ेगा, फिर मैं आपको वीडियो बना कंडली का दिखा दूंगा, यानी फिशिंग फ्लॉट का, ठीक है? तो चलिए मैं तो हम शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों? दोस्तों वीडियो ध्यान से देखिए, एक एक आइटम में जो जो सामान मिक्स कर रहा हूँ आप प्रॉपर देखिए, मिस नहीं कीजिए, ठीक है? हमें ले लेना है आपको पाव रोटी। ये पाव रोटी ले लेंगे, गोल वाला पाव रोटी ले लेंगे, या ब्रेड ले लेंगे, कोई सा भी चलेगा। ब्रेड या पाव रोटी जो भी लेंगे आप, ये हिस्सा निकाल देंगे, ठीक है? ये लाल वाला हिस्सा निकाल देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं भी निकालेंगे तो मुश्किल नहीं है, जिस मछली के लिए मैं बताया हूँ। और इसे हम बारीकी से तोड़ लेंगे, ठीक है? इसको खूब बारीक कर लेंगे बढ़िया से। ये पाव रोटी हो गया दोस्तों, ठीक है? ये पाव रोटी हो गया। और उसके बाद हमें डालना है मकई का सत्तू, यानी भुट्टा बोलता है, ठीक है? मकई का सत्तू ले लेंगे, कहीं भी बाजार मार्केट में मिल जाता है, या आपके घर में भी होगा। आप अति विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं, गांव एरिया से, तो आप ये मकई का आटा घर में भी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो सत्तू के दुकान से ले लेंगे, ठीक है? ये 50 ग्राम आपको डालना है, अगर 5 पीस बंद गोल वाला डालना है तो उसमें 50 ग्राम डालेंगे ये मकई का आटा, ठीक है? अगर ब्रेड डालना है तो 7-8 पीस, तो इसमें 50 ग्राम, यानी ज़्यादा नहीं डालेंगे ब्रेड से, ये कभी भी कम डालना है, नहीं तो ये इसका आप बैठ कर नहीं बना पाएंगे, गोली गोली टूट जाएगा पानी में जाते ही, ठीक है? इसीलिए ये सत्तू कम डालेंगे मकई का। और इसको खूब बढ़िया से पहले मिक्स कर लेंगे। कोई भी बाइट बनाना है दोस्तों बढ़िया से मिक्स करना है, ये बढ़िया से, जब तक मिक्स नहीं होगा फिर फ्लेवर इसमें अच्छे से घुल मिलेगा नहीं। बढ़िया से मिक्स करने से फ्लेवर इसका पूरा मिक्स हो जाता है, तो टेस्ट होता है फिर मच्छी इसे खाने में, उसे अच्छा लगता है। और तीसरा हमें डालना है बनाना, यानी केला। कोई सा भी केला ले लेंगे, आपके पास देसी है विदेशी है, कोई सा भी मार्केट का है, कोई सा भी केला आप ले लेंगे। आप जैसे फिशिंग कर रहे हैं पूरा दिन के लिए या 2 घंटे 4 घंटे के लिए, उसके हिसाब से आप बाइट बनाएंगे जितना आपको लगेगा, ठीक है? थोड़ा ऊपर नीचे होगा, मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये बनाना ले लेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिक्स करना है दोस्तों, इसे बढ़िया से मिक्स कर लेना है। नदी में अगर शिकार कर रहे हैं इस बाइट से तो फिर मकई का आटा कम डालेंगे, ठीक है? ब्रेड ज़्यादा डालेंगे, ब्रेड हो या पाव रोटी हो ज़्यादा डालेंगे। कोशिश करेंगे, नदी में शिकार करने आप जा रहे हैं तो आप ताज़ा पाव रोटी लेंगे या ब्रेड, ताज़ा बासी नहीं लेंगे, फिर वो मुख से निकल जाएगा जल्दी, बासी रहेगा तो, और ताज़ा रहेगा तो हमको पकड़ कर रखेगा, सही है? अब केला और ये पहले मिक्स कर लेंगे। अगर लगेगा केला से अगर मिक्स हो गया तब सही है, अगर नहीं मिक्स हुआ तो आप पानी मिक्स करेंगे, ठीक है? ये मेरा केला से मिक्स हो गया है, ज़्यादा बाइट नहीं, इसलिए पहले आप केला मिक्स करेंगे तो हल्का हल्का बूंद बूंद पानी डाल के मिक्स करेंगे, नहीं तो बाइट गीला हो जाएगा ज़्यादा। नदी में शिकार करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, बाइट को हमेशा खूब टाइट गूदना है, सानना है, यानी गूद लेना है बढ़िया से,
टाइट, और रुके हुए पानी में कर रहे थोड़ा लूज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पानी का रफ्तार बहुत तेज होता है, मुख से निकल जाता है, इसलिए टाइट गूंथेंगे। इसमें कोई भी ऑयल वाला कोई भी चीज़ घी वो कोई चीज़ नहीं मिक्स करेंगे। इसमें आप डालेंगे ब्रेड और बनाना यानी केला और मकई का आटा, तीन चीज़ मिक्स करना है, ठीक है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त पैट तैयार हो गया दोस्तों। इसमें तो वो मछली जो मछली मैं बताने जा रहा हूँ आपको, भाग के आके खाएगा इसमें, एकदम रसगुल्ला का जैसे बाइट हो गया। और भी दूसरा मछली आ गया तो इसे खा सकता है, लेकिन स्पेशल जिस मछली के लिए मैं आपको बाइट बता रहा हूँ, देखिए कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हो गया। और ये दोस्तों गुच्छे में खेलना है, ठीक है, जिस मछली के लिए ये बाइट बनाया हूँ आपको गुच्छे में खेलना है, ठीक है। मैं गुच्छे में लगा के दिखा देता हूँ। नदी में शिकार करेंगे तो हमेशा आप एकदम टाइट गूंथेंगे, रुका हुआ पानी में लूज रखेंगे, ठीक है। अब पूरा हुक लगाएंगे आप, सात नंबर हुक डालेंगे इसमें, ठीक है, छः नंबर सात नंबर हुक है आपके पास, उस हुक से आप फिशिंग करेंगे। गुच्छा खेलना है, गुच्छा ये कमर कार्प मछली के लिए, ठीक है, कमर कार्प मछली का ये बाइट है, इसमें बहुत ज़बरदस्त बाइट होता है, मछली हुक होता है इसके लिए। आप एक कॉमन कार्प के लिए मछली का बाइट है ये, ठीक है दोस्तों। और कहीं भी शिकार करने जाए दोस्तों हल्ला नहीं करें, ज़्यादा आदमी से फिशिंग करने नहीं जाए, हल्ला होगा मच्छी नज़दीक नहीं आएगा, जब नज़दीक नहीं आएगा तो मच्छी आप नहीं पकड़ पाएंगे। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, कॉमन कार्प जब भी मछली खाने के लिए आते हैं हुक में तो ये मुंह में उठा के खाता है, ठीक है, ये रोहू मृगल का जैसे थोड़ा थोड़ा तोड़ के नहीं खाता, ये पूरा आता है फट से पूरा मुंह में उठा के रख लेगा और ले कर चल देगा, चलने लगता है, ठीक है, फिर चलने लगेगा तो आप खींचेंगे आराम से खिला के निकाल लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये बाइट बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इस्तेमाल कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। शुक्रिया दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।